हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। बेटा, कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके बेटा, तो बेटा हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। हमने उसकी पोजिशन को बेटा एक्स इक्वल टू जीरो, जिसको बेटा ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देखना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट की हम। तो बेटा हमने माना किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, इट मीन्स स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी बेटा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो क्या थी, एक्स वन। इट मीन्स ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा वो एक्स वन है। अब बेटा किसी टाइम टी इक्वल टू टी पर, जिसको हम फाइनल टाइम बोलेंगे, उस टाइम पर बेटा इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो कितनी हो जाती है, x इक्वल टू एक्स टू। इट मीन्स ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स टू। तो बेटा यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इट मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन। बेटा इसको मैं यहां पे s बोल रहा हूं, s का मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, और मैं माना जब टाइम जीरो था तो इस पॉइंट से जब पार्टिकल गुजर रहा था तो बेटा उसकी जो वेलोसिटी v1 इक्वल टू कितनी थी, u थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। जब बेटा फाइनल टाइम पर पार्टिकल यहां पहुंचा, यहां से गुजर रहा था, तो बेटा इसकी जो वेलोसिटी थी vq इक्वल टू क्या होगी थी, vt इक्वल टू v, जिसको हम बोलते हैं बेटा फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और बेटा इस पूरी मोशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन था पूरी मोशन में, तो बेटा वो एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट था। ठीक है, हमें याद रखना है कि जो इक्वेशंस मोशन होती है बेटा पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इक्वेशन मोशन बेटा आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी होंगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बेटा इन इक्वेशन को ही हमें इंटीग्रेशन मेथड से, इट मीन्स कैलकुलस मेथड से बेटा प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले इक्वेशन को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बेटा हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है बेटा कितना होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो a इक्वल टू dv अपॉन dt। तो बेटा यहां से जो हम dv फाइंड आउट करेंगे, dv कितना होगा, a dt। अब बेटा इंटीग्रेशन करो, ऑन इंटीग्रेशन तो बेटा यहां से इंटीग्रेशन dv इक्वल टू, बेटा a कांस्टेंट है क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा, t के रेस्पेक्ट में। तो बेटा a को तो हमने बाहर निकाल दिया, वैसे बताया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो a बेटा बाहर आया इंटीग्रेशन में dt। अब बेटा यहां से देखो ध्यान से, अब मैं लिमिट लगाना चाह रहा हूँ बेटा, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, शुरुआत में क्या थी, वेलोसिटी u, और बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या है v, क्योंकि मुझे वेलोसिटी की लिमिट लगानी है। यहां पे किसकी लिमिट लगानी है बेटा, टाइम की। टाइम शुरुआत में क्या था, जीरो, फाइनल टाइम कितना है बेटा, टी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रेशन करो, देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो वन का इंटीग्रेशन करना है बेटा। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन टाइम्स ऑफ वेरिएबल, इट मीन्स v, लिमिट u से v तक इक्वल टू, बेटा a तो कॉन्स्टेंट था ही हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन मानेंगे, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन टाइम्स ऑफ वेरिएबल, तो बेटा वेरिएबल कौन है यहाँ पे, टी है, लिमिट जीरो से टी। बेटा सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, इट मीन्स वेरिएबल को वी से रिप्लेस करेंगे, तो बेटा यहाँ पे आएगा वी माइनस, अब कौन आएगा बेटा, यू इक्वल टू ए इंटू बेटा अपर लिमिट, यहाँ से क्या आएगी, टी माइनस, अब वेरिएबल की जगह जीरो आएगा, जीरो, तो बेटा वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, हम कह सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर वन डील करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन बेटा, सेकंड इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इट मीन्स वेलोसिटी क्या होती थी, चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा यहां से जो डी एक्स आया वो कितना होगा, v into dt, लेकिन मैं ध्यान करो सेकंड इक्वेशन क्या होती थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का यूज नहीं होता, बट यहाँ तो v आ रहा है तो v को मुझे हटाना है, तो बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू क्या पढ़ी थी, u प्लस ए टी, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, u प्लस ए टी, तो बेटा dx की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, u प्लस ए टी इंटू डी टी, dx इक्वल टू बेटा अंदर मल्टीपल करो u dt प्लस ए टी डी टी। अब बेटा दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, तो बेटा यहां पे इंटीग्रेशन में डीएक्स
बेटा पहले वाले टर्म का करो इंटीग्रेशन, तो वो टी के रेस्पेक्ट में, तो यू तो कॉन्स्टेंट है, यू को बाहर, इंटीग्रेशन डी टी। बेटा ये भी किसके रेस्पेक्ट में, टी के, तो टी को तो मुझे अंदर रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, बट ए को बाहर रखना पड़ेगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में बेटा वो वेरिएबल, उसे अंदर, बाकी जो भी है बाहर। तो ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में टी डी टी। बेटा लिमिट लगाते हैं, तो देखो यहाँ किसकी लिमिट है बेटा, डी किसके साथ है, एक्स के, मीन पोजिशन की लिमिट है। तो बेटा पोजिशन कहां से कहां थी, एक्स वन से एक्स टू, ठीक है बेटा। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो टाइम की लिमिट बेटा कहां से कहां है, टाइम की लिमिट है जीरो से टी। बेटा यहां भी देखो टाइम की लिमिट है जीरो से टी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से देखो अगर मैं डी एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो कुछ नहीं तो वन मान सकते हैं, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स होता है। तो लिमिट कहां से कहां होगी, एक्स वन से एक्स टू इक्वल टू यू। बेटा यहाँ पे आप डी टी का करोगे इंटीग्रेशन, डी टी का क्या होगा बेटा, वन है कुछ नहीं है, तो वन का क्या होगा टी, लिमिट जीरो से टी प्लस ए इंटू, बेटा यहाँ पे टी की पावर में वन कह सकता हूँ क्या, नहीं, तो टी की पावर वन का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड कर देते हैं, तो टी स्क्वायर अपॉन टू। बेटा लिमिट कहां से कहां, जीरो से टी। तो बेटा पहले अपर लिमिट आएगी इट मीन एक्स टू, फिर लोअर लिमिट एक्स वन इक्वल टू यू इंटू, बेटा बेटा अपर लिमिट आएगी क्या, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट में बेटा जीरो। ओके प्लस ए इंटू, पहले बेटा अपर लिमिट आएगी, अपर लिमिट क्या है टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा जीरो, जीरो स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है बेटा। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू बेटा कितना बना यहां से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो हाफ तो ए रहा अपॉन टू, ए ये रहा टी स्क्वायर ये रहा, तो प्लस में क्या है बेटा हाफ ए टी स्क्वायर। या तो बेटा मैं यहां छोड़ सकता हूं, और आपको बता दो बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था, तो बेटा हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो एस होता है तो बेटा वो डिस्टेंस नहीं होती, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, आपको दिख भी रहा होगा फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा थर्ड इक्वेशन पर आते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा थर्ड में अगेन हम एक्सेलरेशन का यूज करेंगे, वी नो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, है ना, क्या होता था एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी वी अपॉन डी टी। बट बेटा ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता था, इक्वेशन बताओ थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बेटा टाइम तो आता नहीं है उसमें, बट यहां तो टाइम आ रहा है। थोड़ा टाइम से बचने के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, इसमें बेटा हम ऊपर और नीचे डी एक्स से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, उसके बाद बेटा इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, तो उधर डी एक्स आ गया, तो डी एक्स अपॉन डी टी इन टू में डी वी अपॉन डी एक्स। बेटा डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, पढ़ा था हमने, वेलोसिटी होती थी ना वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो बेटा डी एक्स को इन टू में ले आएंगे तो हमें वी डी वी क्या मिलेगा, तो बेटा हमें मिला वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स। अब बेटा इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, तो बेटा इंटीग्रेशन करो दोनों साइड का, तो बेटा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, वी के, तो बेटा वी हमारे लिए यहाँ पे वेरिएबल है, तो वी को साथ रखना पड़ेगा। अब इधर देखो बेटा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो बेटा ए तो कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन डी एक्स। अब बेटा लिमिट लगाओ, तो बेटा यहाँ वेलोसिटी की लिमिट है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ है, यू से वी तक, तो बेटा यहाँ वी आएगा, यू आएगा सॉरी, और यहाँ पे क्या आएगा वी। अब पोजीशन की लिमिट देखो बेटा, पोजीशन कहां से कहां तक है, x1 से बेटा x2 तक। ओके अब देखिए यहां v का इंटीग्रेशन v की पावर 1 कह सकते हैं ना, तो बेटा v की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक बेटा u से लेकर v तक इक्वल टू a। dx का इंटीग्रेशन बेटा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 1 के लिए क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 टाइम्स ऑफ वेरिएबल x था, लिमिट बेटा कहां से कहां, x2 से x1। अब बेटा यहां पे देखो अपर लिमिट आएगी, पहले वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ए इन टू अपर लिमिट बेटा यहाँ पे सॉरी ये लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, एक्स वन से एक्स टू है ना, तो यहाँ एक्स वन रहेगा यहाँ पे एक्स टू, तो बेटा अपर लिमिट कौन है एक्स टू माइनस लोअर लिमिट एक्स वन, तो बेटा यहाँ से टू एलसीएम आ जाएगा, है ना, क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ए इन टू एक्स टू माइनस एक्स वन। अब बेटा आगे देखो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में आ गया ट्वाइस ऑफ ए एक्स टू माइनस एक्स वन, या तो बेटा नहीं छोड़ रहे आंसर को, ठीक है। अब और हम क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस टू ए इंटू बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन क्या था हमारा एस था, एस को हम क्या बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा मुझे यहां से भी दिख रहा है कि जो एस है एस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन मोशन राइट कर लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।